आधार इकबाल साहब आज देर भी हो रही थी ना, हो गई तमन्ना पूरी हो गई। अब आप जितना सुल्तान जहां को सुना है ना, तुम्हें कसम है इतना ज्यादा इकबाल को सुना है। बल्कि मैं कहूँ तो उससे ज्यादा सुन के बताइए, क्योंकि पूरी दुनिया मुंतजिर रहती है अजहर इकबाल साहब की आमद की। या आपकी खुशनसीबी है कि अजहर इकबाल साहब यहाँ मौजूद है, तमाम मसीफियत के बावजूद भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम अजहर इकबाल साहब का। और इस इन मित्रों के साथ उनका इस्तकबाल करते क्या है, चार ऐसा आ गया मुझे याद आ गया। ऐसा नहीं कि अपना पूरा वक्त कट गया, चार मिसरे पढ़ूंगा और तालियों के गुण में इस्तकबाल करेंगे आप। ऐसा नहीं कि अपना पूरा वक्त कट गया, गद्दारी जाग उठती तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना पूरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बट गया। जोरदार तालियों से जिस बस्ती को अल्लाह की सनद हासिल हो, संडीला को कहा जाता था कि सनद अल्लाह, और ये आज अपने बिगड़ते बिगड़ते रूप में संडीला हो गया। बेशक जिस बस्ती को अल्लाह की सनद हासिल हो, जहाँ झाड़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग का आस्थाना हो, उस बस्ती में हाजिरी देना किसी सादत से कम नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा फख्र का मुकाम है कि मैं आज यहाँ हाजिर हुआ। एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास पहुंचा और कहा कि उस्ताद मैंने एक शेर कहा है। उस्ताद ने कहा कि भाई सुनाओ। शागिर्द ने शेर सुनाया कि कम से कम दो दिल तो होते हैं इश्क में, कम से कम दो दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। उस्ताद ने कहा कि जरा सी तरमीम कर लो इसके अंदर, जरा सा बदलाव ले आओ। तो उस्ताद ने कहा कि इस शेर को यूं पढ़ा करो कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सब कुछ होते इश्क में। यही शेर लेके अपने दूसरे उस्ताद के पास पहुंचा और कहा कि उस्ताद मैंने एक शेर कहा है। शागिर्द ने शेर सुनाया कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सब कुछ होते इश्क में। उस्ताद बोले ये शेर तेरा नहीं हो सकता, तेरी 2 दिन से ज्यादा की औकात नहीं है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ सबके सीनों में 100-100 दिल है। खैर समाप्त कर लें कि वक्त को आखिरकार बदलते रहते हैं। क्या कहने, वक्त को आखिरकार बदलते रहते हैं, नादानों होशियार बदलते रहते हैं। क्या कहने, वक्त को आखिरकार बदलते रहते हैं, नादानों होशियार बदलते रहते हैं। क्या कहने, मेरे हाथ से कासा छीनने वाले सुन, मेरे हाथ से कासा छीनने वाले सुन, किस्सा और किरदार बदलते रहते हैं। वाह मेरे, क्या कहने, वाह मेरे हाथ से कासा छीनने वाले सुन, किस्सा और किरदार बदलते रहते हैं। गजल का मतलब समाप्त करें कि घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए। क्या कहने, इसका एक ही थोड़ा सा कम है, बहुत ज्यादा है। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए। क्या कहने, वाह वाह। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, वाह वाह। मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चीखे। क्या कहने, क्या कहने, ये जख्म जख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, कहाँ चले गए वो लोग हंसते गाते हैं। क्या कहने,
तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, मैं राख होने लगा हूँ दिए जलाने का, न जाने खत्म हुई कब हमारी आजादी, न जाने खत्म हुई कब हमारी आजादी, ताल्लुकात की पाबंदियां उठाते हैं अब भी बिस्तरे जहां पर तेरे बदन की शिकन है, अभी बिस्तरे जहां पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूँ उसे मिटाते। परिंदों को शजर अच्छा लगा है, परिंदों को शजर अच्छा लगा है, परिंदों को शजर अच्छा लगा है, बहुत दिन बाद घर अच्छा लगा है। क्या कहने वाह, परिंदों को शजर अच्छा लगा है, बहुत दिन बाद घर अच्छा लगा है। क्या कहने, तुम्हें तुझे मिलने की ख्वाहिश तो नहीं थी, तुझे मिलने की ख्वाहिश तो नहीं थी, तुझे मिलने की ख्वाहिश तो नहीं थी, तेरा मिलना मगर अच्छा लगा है। गले में है तेरी बाहों का घेरा, गले में है तेरी बाहों का घेरा, ये बाइक का सफर अच्छा लगा। गले में है तेरी बाहों का घेरा, ये बाइक का सफर अच्छा लगा है, लरजते हाथों से छूना किसी को, लरजते हाथों से छूना किसी को, क्या कहने, मोहब्बत में ये डर अच्छा लगा है, किसी ऊंचाई से गिरता हूँ जैसे, किसी ऊंचाई से गिरता हूँ जैसे, किसी ऊंचाई से गिरता हूँ जैसे, नशे का ये असर अच्छा लगा मुझे, अब तुम बुरी लगने लगी हो, मेरे अंदर का शायर मर गया क्या, मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, क्या कहने, मेरा खुद से भी अब जी भर गया, अरे मैं अब आईना कम ही देखता, बहुत 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 बहुत, मेरा खुद से भी अब जी भर गया, क्या कहने, मैं अब रहता हूँ अक्सर खोया खोया, मैं अब रहता हूँ अक्सर खोया खोया, कोई मुझ पर भी कहते कहने, मैं अब रहता हूँ अक्सर खोया खोया, कोई मुझ पर भी जादू कर गया क्या, क्या कहने, तेरी सम जाने का रास्ता नहीं हुआ, तेरी सम जाने का रास्ता नहीं हो रहा, रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, कोई रात आके ठहर गई मेरी जात में, कोई रात आके ठहर गई मेरी जात में, मेरा रोशनी से भी राबता नहीं हो रहा, इसे अपने होठों का लम्स दो ए सांस ले, क्या कहने, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा, क्या कहने, तो खुदाए हुस्न जमाल है तो हुआ क्या, तो खुदाए हुस्न जमाल है तो हुआ करे, तेरी बंदगी से मेरा भला नहीं हो रहा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, क्या कहने, जमीन
जंजीर बनता वाह, कोई तो पांव की जंजीर बनता, कोई तो रोकता रास्ता हमारा, खड़े हैं मरुस्थल से, मरुस्थल कहते रेगिस्तान, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं, बदन के नक्शे पे हर दिल को सौ सौ बार देखा, बदन के नक्शे पे हर दिल को सौ सौ बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने के पागल हो गए, बदन के नक्शे पे हर दिल को सौ सौ बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने के पागल हो गए हैं, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, क्या कहने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए, बहुत शुक्रिया और चंद्रशेखर जी, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, क्या कहने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए, सिगरेट पे याद है एक और शेर सुना, मतलब है कि वो दिल के जख्म तो सीने लगी है, वो दिल के जख्म तो सीने लगी है, मगर सिगरेट बहुत पीने लगी है, क्या कहने शेर सुने के कप में मौजूद रही उसके चुवन की खुशबू, कप में मौजूद रही उसके चुवन की खुशबू, चाय पीता हूँ तो आती है बदन की खुशबू, तेरे संसार से तंग आ गए, तेरे संसार से तंग आ गए हैं, हम इस आभार से तंग आ गए हैं, क्या कहने, तेरे संसार से तंग आ गए हैं, हम इस आभार से तंग आ गए हैं, हमें अब चाहिए थोड़ी सी घृणा, निरंतर प्यार से तंग आ गए, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना, क्या कहने, क्या कहने, और चंद शेर सुनने के जी, दो तीन शेर सुना के बस मैं जाना चाहूंगा, अभी और है बहुत है, दो शेर उन्होंने याद दिला दिए कि जुनून कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है,
जुनून कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है, तुम्हें पाकर मेरी दीवानगी कम हो रही है, मेरी जंजीर के हलके बढ़ाए जा रहे हैं, वाह, मेरी जंजीर के हलके बढ़ाए जा रहे हैं, कफस में रफ्ता रफ्ता रोशनी कम हो रही है, खुद अपनी सोच के बरक्स जीना पड़ रहा है, खुद अपनी सोच के बरक्स जीना पड़ रहा है, सितम ये है कि साली जिंदगी कम हो रही है। मगर उसकी इनायत का सबब कुछ और निकला, क्या कहें, मगर उसकी इनायत का सबब कुछ और निकला, वाह, मैं समझा था कि उसकी बरहमी कम हो रही है, जुनून कम है तो मुझसे शायरी कम, क्या कहें, बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया, इसका काम कीजिए, भरपूर तालियों में वो शकील आदमी साहब का है, बहुत दिन हो गए जो वो हमें मिला नहीं, क्या कहना, हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये पहला इश्क है तुम्हारा, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए ये रास्ता नहीं, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए रास्ता नया नहीं, क्या कहने, मैं दस्तकों पे दस्तकें दिए गया क्या कहने, वो एक दर कभी मगर खुला नहीं, वाह, संक्षेपण समाप्त कर लेंगे, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो मेरे लिए रास्ता नया नहीं, और चंचे समाज कर लेंगे, दो दिन से थोड़ा हिंदी के सुनाए थे, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए, अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए, क्या कहने, देश हित में देश का नुकसान करते रह गए, कोई उसको प्रेम की चादर उढ़ाकर ले गया, कोई उसको प्रेम की चादर उढ़ाकर ले गया, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, सारे मेडल चीन अमेरिका के हिस्से आ गए, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, समाप्त कर लेंगे, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है क्या कहने, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है, नदी के शांत तट पर बैठकर मन, नदी के शांत तट पर बैठकर मन तेरी यादें विसर्जन कर रहा है,
शादी के शाम तक पर बैठ कर मन तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। क्या क्या बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को मन कर रहा है। तुम्हें मिलने का मन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू सो मच। बहुत दिन हो गए फिर ढूंढते हो निशाने तेरे, निशाने तेरे तेरे, ढूंढते वो ठिकाने तेरे, तेरे ढूंढते वो ठिकाने तेरे, कि लग जाए जिनको निशाने तेरे। तबर्रुक में बस एक बोसाए लब, तबर्रुक में बस एक बोसाए लब, फकीर आ गए आस्ताने तेरे। बहुत शुक्रिया। और एक गजल बस तरुण से सुना के जाना, ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, क्या कहने बाबा, ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, क्या कहने बाबा, ये बार गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, कि उसने हमको रुलाया नहीं बहुत दिन से, चलो के खाक उड़ाए चलो शराब पिए, क्या कहने, चलो के खाक उड़ाए चलो शराब पिए, किसी का हिज्र मनाया नहीं बहुत दिन से, ये कैफियत है मेरी जान अब तुम्हें खोकर, ये कैफियत है मेरी जान अब तुम्हें खोकर, कि हमने खुद को भी पाया नहीं क्या कहें, अरे क्या कहें, ये कैफियत है मेरी जान अब तुम्हें खोकर, कि हमने खुद को भी पाया नहीं बहुत दिन से, हर एक शख्स यहाँ मैं ख्वाब लगता है, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह, हर एक शख्स यहाँ लगता है, किसी ने हमको जगाया नहीं। आखिर ये चंदीला के जो दिल वाले लोग हैं उनके नाम, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, तुम्हें गले से लगाया नहीं, क्या कहने क्या कहने, ये बारे हुआ आज ही लज्जत की तलब, कह गए
कल तुम्हें इश्क हुआ आज ही लज्जत की तलब, तब मजा आता है जब चोट पुरानी पर। मेरे लिए आप सभी सदर हैं, मैं मुशायरे का आखिरी शायर बताया जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह मोहब्बत कभी आखिरी नहीं होती, इसी तरह शायर भी कभी आखिरी नहीं होते। बहुत जबरदस्त ला दिया पूरी मंजिल। अच्छा, अभी 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 तो शुरू भी नहीं हुआ, थोड़ा सब्र करो, सुनाऊंगा, थोड़ी सी रुके करूंगा आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नहायत खुशनसीब हैं, इको मत दीजिए, मुझे थोड़ा तेज दीजिए, बस कम रखिए आवाज, सीटी न बजाइए, बस उधर वाली बता। आप सब नहायत खुशनसीब हैं कि उस जमीन के वारिस हैं जिसमें झाड़ी वाला शाह बाबा जैसे बुजुर्ग आराम फरमा है। मैं इस मुनव्वर जमीन को सलाम करता हूं और एहतराम करता हूं। मुझसे पहले मेरे सभी साथी शोरा ने बहुत ही अच्छा सुनाया, सबने अच्छा सुनाया। मुशायरा किसी एक शायर से कामयाब नहीं होता, ये एक टीम वर्क को इसे हम कहते हैं, जैसे फिल्म हमारी एक टीम वर्क होती है, जब सब अच्छा करते हैं तो ही अच्छा होता है। दिलीप कुमार साहब या बच्चन साहब या शाहरुख खान साहब के साथ अगर एक खराब एक्टर खड़ा कर दो तो वो उसको भी खा जाएगा जो अच्छा है। खैर, अभी दुनिया का एक सर्वे हुआ तो पता चला कि सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर यहाँ कोई आगे देखे तो ये कहेगा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान संदीदा में है। क्या गेम और खूब और कितने रोमांटिक हो यार तुम लोग। ऐसे ही अगर सब सुनने लगे तो कम बारूद वाली शायरी खत्म हो जाएगी। जो बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ बम मारते हैं, वहां बम मारते हैं, यहाँ सद्दाम, वहां बाबरी मस्जिद। खैर, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ अपना बेस्ट आपको दे के जाऊं। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं मुशायरा पैसे के लिए भी पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ बात होगा कह रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं आया यहाँ, मैं इस जमीन की अकीदत के लिए आया हूँ, ब्रादरम आदिल रशीद की मोहब्बत के लिए आया हूँ और आपके शरफ़े कबूलियत के लिए आया हूँ। मैं नई गजल से शुरू करना चाहता हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। मेरे साथी शोरा ने भी नहीं सुनी। उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर इसी दिलरुबा के बारे में। वाह, ये बड़ा हल्का शेर था लेकिन बड़ा चित्त में सुन लिया आपने। उसी के हुस्न, उसी की अदा के, क्या कहने, वाह वाह वाह। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, वाह, और शेर यहाँ से आ रहे हैं ये सुन लिया। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, सुनिएगा आप सब, नाम किस दिल का लूं, सब सुनिए, सब मेरे लिए मोहतरम साथी शोरा और मेरे नौजवान भी। जी अता जी। फिर एक शेर उसी, मैं भी नौजवान से थोड़ा ही आगे बढ़ा हूँ। फिर एक शेर मुझे जावेद अख्तर साहब के घर बॉम्बे में, हम लोग एक नशिस्त कर रहे थे तो बात होने लगी कि भाई नौशाद साहब की क्या उम्र है, दिलीप कुमार साहब की क्या उम्र है, जो पुराने हमारे फिल्म के लोग थे उनके बारे में बात, उनकी क्या उम्र होगी, उनकी क्या उम्र होगी, तो सब कह रहे भाई दिलीप कुमार साहब की इतनी है, फलाने की इतनी है। तो जावेद साहब ने कहा भाई मैं जब आया था बम्बई तब भी नौशाद साहब की उम्र इतनी ही थी। मुझे लगता है कि अल्लाह मियां से थोड़े ही छोटे होंगे।
तो मैं इन सबों को थोड़ा ही बड़ा हूँ। फिर एक शेर उसी दिलरुबा, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से बताता दूसरी लाइन आएगी तो रास्ता दे यार, रास्ता दे। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। मैं